हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस इज बिलाल अशिक। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं आज के वीडियो में बात करूंगा कट ऑफ का, बीएमएस का कितना कट ऑफ जा सकता है, बीडीएस का कितना कट ऑफ जा सकता है, वेटनरी का कितना कट ऑफ जा सकता है। कल जो रिजल्ट रिलीज हुआ है 4 जून, यानी कि कल जो रिजल्ट रिलीज हुआ है उसके बाद, रिजल्ट के बाद ऑल इंडिया रैंक कितनी आ रही है, कितने नंबर पर कितना स्कोर आ रहा है, उसके बाद मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा अभी इस वीडियो में कि आपको जो है अगर एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है तो बीएमएस लेना चाह रहे हो या बीडीएस लेना चाह रहे हो या वेटनरी लेना चाह रहे हो तो कितना ऑल इंडिया रैंक तक के बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, कितना रैंक तक के बच्चे सेफ है, कौन बच्चे को काउंसलिंग करना चाहिए, कौन बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब सारी चीज़ बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम तुमको ये बोलना चाह रहे हैं, जो लोग भी 450+ नंबर लाए हो, जो लोग भी 450-500 नंबर आ रहा है, जिन लोग का भी आ रहा है, मतलब 450 लेकर के से बात कर रहा हूँ मैं, जिनका मतलब 4 लाख तक रैंक है, 4 लाख 5 लाख भी रैंक है तुम्हारा, अगर ऑल इंडिया रैंक, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक की बात करूँगा मैं, जो भी बात करूँगा। कैटेगरी रैंक है ना, वो बस एक ऐसे दिखावे के लिए होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कैटेगरी रैंक पर कोई भी डिसाइड नहीं हुआ, जो भी कट ऑफ जहाँ भी जो भी बात करता है, जो भी चीज़ें मैं बात करूँगा या कोई भी कब बात करता है, वो सारी ऑल इंडिया रैंक पे, चाहे आपका एससी कैटेगरी हो या एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी ईडब्ल्यू हो, कोई भी कैटेगरी, से फ़र्क नहीं पड़ता है, कैटेगरी रैंक नहीं देखा जाता है, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। और जो भी लोग बताते हैं वो भी ऐसे ही बताते हैं, ऐसे ही मिलता है। ठीक है, तो सारी चीज़ हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि तुमको तुम्हारा स्कोर 550 है या 500 है या 600 है, जो भी नंबर तुम्हारा आ रहा है, तो तुमको क्या तुमको अभी भी ये तुम्हारा दिमाग नहीं खुल रहा है कि तुमको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या तुम सब बेवकूफ़ हो क्या? जैसा पूछते भैया आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे भाई, तुम कॉलेज काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि तुमको कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है? वो तो देख ही रहे हो ना, सीन क्या चल रहा है, कितनी कट ऑफ जा रही है, कितना खतरनाक तरीके से ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, कितना नंबर आ रहे हो, क्या सीन चल रहा है दिन पे दिन, कितनी जो है तादाद में बच्चे आ रहे हैं उठ करके, और कैसा नीट का रिजल्ट कट ऑफ वगैरह, नीट का पेपर हर चीज़ जो आ रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मतलब ऐसा सवाल तुम कैसे कर सकते हो? जो लोग भी जिसका ज़्यादा ड्रॉप है, जिसके 450 नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं, 550 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, जितना भी नंबर आ रहा है तुम्हारा, काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करो, 100% पार्टिसिपेट करो। साला वो तो बात की बात है ना, कॉलेज मिल रहा नहीं मिल रहा तुमको यार, कॉलेज कम से कम काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करो, काउंसलिंग में ही नहीं पार्टिसिपेट कर रहा हो तो कहाँ से घंटा पता चलेगा कि तुमको कॉलेज मिल रहा नहीं मिल रहा है? वो तो बाद की बात है ना, जिसका भी जितना भी रैंक आ रहा है तुम्हारा, 2 लाख रैंक है ऑल इंडिया रैंक, या 3 लाख ऑल इंडिया रैंक है, या 4 लाख ऑल इंडिया रैंक है, जो भी कैटेगरी हो, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी है, अगर तुमको एमबीबीएस वो तो मिलना नहीं है, 650+ से एमबीबीएस नीचे नहीं जाएगी कट ऑफ, किसी भी स्टेट कहीं भी चल जाओ, ऑल इंडिया कोटा की 650+ जाएगी एमबीबीएस की कट ऑफ। बाकी जो लोग भी है, जो लोग भी तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप था, थर्ड ड्रॉप था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा अगर 550 नंबर भी है, 640 नंबर है, 600+ नंबर भी है, तुमको ये सब कॉलेज चाहिए, अगर बीएमएस चाहिए, बीडीएस चाहिए या वेटनरी चाहिए, ठीक है, अगर नहीं भी चाहिए तो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, कॉलेज लेना और नहीं लेना वो बात की बात है। ठीक है, अब ये कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं जिसके 600 नंबर आ रहे हैं, भैया हमको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा क्या? भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है ना तुमको, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है, ले लो कहीं भी, कि देख रहे हो क्या सीन चल रहा है, आसमान छोड़ा है कट ऑफ। अगर तुमको कहीं भी जो भी तुम्हारा स्कोर आ रहा है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, तब तो पता चलेगा तुमको कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि लास्ट तक तुमको हम बोल रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, जो तुम्हारा लास्ट राउंड है काउंसलिंग का, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड तक, वहाँ तक ट्राई करो, वो तो पता है तुमको कि हाँ मान लो नहीं मिला, सबसे बुरा क्या हो सकता है कि नहीं मिलेगा, बट अच्छा क्या हो सकता है कि मिल जाएगा, वो कब होगा? जब तुम पार्टिसिपेट करोगे काउंसलिंग में। अब तुम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, नहीं करोगे तो घंटा पता चलेगा कि तुमको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, कई बार जो है कट ऑफ बहुत कम चली जाती है, बच्चे इस डर से, काउंसलिंग के डर से, कौन पार्टिसिपेट करेगा, 2000-4000 रुपए के चक्कर में नहीं पार्टिसिपेट करते, एक अलग तरीके का वो बना है कि मतलब काउंसलिंग कौन पार्टिसिपेट करे वहाँ तक, ये मतलब लोग है ना इसको अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, जिसके बॉर्डर पर मार्क है या एक ड्रॉप दो ड्रॉप है वो लोग अवॉइड कर देते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड मत करो। जितना एग्ज़ाम नीट का एग्ज़ाम के लिए जितना तैयारी कर रहे हो ना, जितना एग्ज़ाम देने के लिए जितना जिद्दोजहद करते हो, मतलब जितना मेहनत करते हो, तो एग्ज़ाम देना जितना इंपॉर्टेंट है नीट का, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। तुम्हारा जो भी नंबर आ रहा है काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करो,
काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करो। अगर तुमको कॉलेज लेना होगा मिल गया तो तुम इससे बड़ी खुशी की बात कुछ है ही नहीं, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो तुम अभी से कंटिन्यू है ना अपना स्टडी कंटिन्यू रखो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ये करो। जो लोग भी मतलब मेरे से जो भी लोग भी पूछेगा मैं उनको यही बोलूँगा, अगर तुम्हारा स्कोर जो भी आ रहा है वट एवर योर 450 से लेकर के 650 के बीच वाले बच्चे जो भी है 450 से लेकर 650 जिसको MBBS मिल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों को MBBS नहीं मिल पा रहा है जिसका पहला ड्रॉप था दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा कोई भी ड्रॉप था तुम्हारा और तुम्हारा 550-600 जो भी नंबर आ रहा है, तुम ये सब कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो काउंसलिंग में 100% पार्टिसिपेट करो, 100% पार्टिसिपेट करो और अपना स्टडी को है कंटिन्यू रखो, जो भी तुम्हारा नीट का स्टडी है उसको कंटिन्यू रखो और जो है काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करो। तुम्हारा अगर कॉलेज मिल गया तो बहुत खुशी की बात है तो ठीक है, अगर नहीं कॉलेज मिल पाता है तो तुम्हारा स्टडी तो कंटिन्यू है ना, अभी से है ना, अब इंतज़ार मत करो। काउंसलिंग बहुत लंबा चलेगा, 2-3 महीने तक काउंसलिंग चलेगी, तुमको मॉप अप लास्ट एक स्टे वैकेंसी राउंड भी एक कभी कभी दो दो स्टे वैकेंसी राउंड होती तो वहाँ तक तुमको इंतज़ार करना है, वहाँ तक जाने के लिए 2-3 महीने लग जाएंगे, तो तुम्हारा बहुत सारा बच्चा ना पेशेंस खो देता है, ठीक है। अभी तुम्हारा रिजल्ट आया ना अभी एकदम अजीब सा चल रहा होगा कि ये हुआ, लेकिन हमको पता होता है सारा चीज़ कि बच्चा क्या, बच्चा है ना जो 2-4 दिन में भूल जाता है। मैं लास्ट में भी कितना इम्फेसिस किया था, नहीं तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, जिसके भी कम नंबर हैं कि अगर तुम चाहते हो कि वेटनरी लेना या BMS में एडमिशन लेना तो तुम्हारा अगर स्कोर बॉर्डर पे भी ऐसा लग रहा है तुमको कि नहीं मिल पाएगा तो भी तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और काउंसलिंग के लास्ट एक्स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाओ। अरे बुरा तो तुमको पता ही ना कि बुरा क्या हो सकता है, कॉलेज नहीं मिलेगा बट अच्छा क्या हो सकता है, तुम्हारा 1 साल बच जाएगा, तुम्हारा सीट रिजर्व हो सकता है, तुम सेफ हो सकते हो, क्योंकि जिस तरीके का कट ऑफ जा रहा है, जिस तरीके की फीस बढ़ रही है प्राइवेट कॉलेज में और जिस तरीके से बच्चे अपीयर हो रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है क्या चल, इसलिए अपना एक सीट ग्रैब करो। अगर जो लोग भी जितना भी स्कोर आ रहा है तुम्हारा ये सब ले सकते हो, पार्शियल ड्रॉप कर सकते हो, अपना नीट का स्टडी है अभी से कंटिन्यू रख सकते हो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो ये अब इसका कट ऑफ कितना जाएगा ये मैं बता देता हूँ, BMS का कितना कट ऑफ जाएगा, अभी मैं जो कट ऑफ की बात कर रहा हूँ ये ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ का बात करूँगा, BMS का कितना जाएगा, BDS का कितना जाएगा और वेटनरी का कितना जाएगा, ऑल इंडिया कट ऑफ का एक एक करके हम बात करते हैं। और हाँ एक और बात, जो भी मैं अभी कट ऑफ बात कर रहा हूँ कि इतना पे ये मतलब इतना पे तुमको 100% स्टूडेंट जो भी कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ उतना पे 100% जो है तुमको सीट मिल जाएगा इस बार, मतलब मिला हुआ है और स्टे वैकेंसी राउंड तक लास्ट ईयर में स्टे वैकेंसी राउंड तक इतने तक बच्चों को मिला है। और तुम इस बार जो है तुम्हारा अगर 10-20 हज़ार ज़्यादा भी रैंक है जितना भी मैं बोलूँगा तो भी पार्टिसिपेट करना, क्योंकि बाकी MBBS के अलावा बाकी जो 3 चीज़ें इसकी कट ऑफ में है ना फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है हर साल। MBBS का सीट है, बच्चा का एक एम होता है कि MBBS निकालना है, उसकी है ना कट ऑफ में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी, जितनी ऑल इंडिया रैंक पे जितनी कट ऑफ जाती है उस पर 1,000, 2,000 या 3,000 ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा रैंक तक मिल जाती है हर साल। अगर मान लो पिछले साल 30,000 तक ऑल इंडिया रैंक में 30,000 तक बच्चों को कॉलेज मिला है MBBS, तो इस बार जो है 32,000 या 35,000 तक मिलेगा। वेटनरी में, BDS में, BMS में ऐसा नहीं है, 10-10,000, 20-20,000 इवन 50-50,000 तक का मार्जिन देखने को मिला है, 50,000 रैंक तक का डिफरेंस देखने, अगर 50,000 ज़्यादा है या कम है तो भी तुम पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑल इंडिया रैंक जो है 90,000 में BDS को गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट ईयर मिला है, तुम्हारा 1.5 लाख भी ऑल इंडिया रैंक है जनरल कैटेगरी हो, तुम BDS लेना चाहते हो तो तुम पार्टिसिपेट करो, मिल सकता है, क्योंकि इस सब चीज़ों में है ना सर्टेनिटी नहीं है, बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट बात करते हैं BMS की कट ऑफ की बात करते हैं कितना क्या होगा। BMS का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ किया है लास्ट ईयर 93,000 तक ऑल इंडिया रैंक जो है लास्ट ईयर वेस्ट्री वैकेंसी राउंड में बच्चों को कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, जनरल कैटेगरी का बात कर रहा हूँ मैं, जनरल, OBC, EWS, ये तीनों कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, OBC हो, EWS है, अगर तुम्हारा 95,000 के अंदर ऑल इंडिया रैंक आ रहा है 95,000 के अंदर तुम्हारा 100% जो है कॉलेज मिल जाएगा लास्ट राउंड तक बोल रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक तुम्हारा 100% कॉलेज मिल जाएगा, तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। इसके अलावा भी अगर तुम्हारा 1.5 लाख भी अगर रैंक आ रहा है और तुम BMS कॉलेज लेना चाहते हो तो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना, कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, तुमको अवेयर रहना है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब पर बताता रहूँगा, सारा चीज़ तुमको हम बताएंगे, यूट्यूब पर बताएंगे तुमको, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बस सिक्योरिटी मनी होती है 10,000 रुपये अगर जनरल कैटेगरी हो तो, OBC हो तो 5,000 रुपये वो सिक्योरिटी मनी लगता है, तो इतना 10,000 रुपया 5,000 रुपया ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये जरूर खर्च करो और जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, वो सिक्योरिटी मनी जो कि लास्ट में रिफंड ही आ जाता है अगर कॉलेज नहीं मिल पाता है तो,
ठीक है, तो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करो। जिन लोग का भी ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख के अंदर है, आप BMS कॉलेज लेना चाहते हो तो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करो। ठीक, फिर अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी का। तो SC कैटेगरी में अगर 2.5 लाख के अंदर तुम्हारा रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 2.5 लाख के अंदर है, तो तुमको कॉलेज मिल सकता है, तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। एक और बात, जो जिसका 3 लाख भी रैंक आ रहा है SC कैटेगरी में, जिसका 3 लाख भी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 3 लाख भी है, तो भी तुम ST वैकेंसी राउंड तक जा सकते हो, तुमको कॉलेज मिल सकता है, इतना तक का मार्जिन ले सकते हो। फिर ST कैटेगरी की बात करें तो 3.5 लाख, 3.5 लाख तक ऑल इंडिया रैंक जिन लोग का भी है तो ST कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना। गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, BMS का जो है गवर्नमेंट कॉलेज तुमको मिल सकता है, 3.5 लाख तक को मिला है ऑल इंडिया रैंक लास्ट, मतलब ST वैकेंसी में। और अगर तुम्हारा 4 लाख भी ऑल इंडिया रैंक है ST कैटेगरी हो, तो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुमको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, लास्ट राउंड तक ST वैकेंसी राउंड तक पार्टिसिपेट करो, करना कुछ नहीं, तुमको बस अवेयर रहना है, लास्ट राउंड तक इंतजार करना है। अभी से तुम अपना नीट का प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट बने रहो। कॉलेज अगर मिल गया तो बहुत खुशी की बात है, नहीं मिल पाया तो तुम्हारा स्टडी कंटिन्यू रहेगा, ये बेस्ट डिसीजन है जो तुम लोग कर सकते हो। और बात, जो SC ST कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, तो ये अपना EWS रैंक नहीं देखना, या SC रैंक नहीं देखना, कितना है ऑल इंडिया रैंक कितना आ रहा है वो देखना, वो मैटर करता है। मैं अभी जो डिस्कस किया हूँ वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे मैं कट ऑफ बताया हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं BDS का, ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी का ST वैकेंसी राउंड की बता रहा हूँ। ST वैकेंसी राउंड में जो कट ऑफ गई थी वो 55,000 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिला है लास्ट ईयर। अगर तुम लोग का भी, जो लोग भी BDS लेना चाहता है, तो जिसका ऑल इंडिया रैंक जो है 70K है, 80K भी है, 80,000 के अंदर भी है, इवन 1 लाख के अंदर है, तो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, गवर्नमेंट BDS कॉलेज मिल सकता है जनरल कैटेगरी। लास्ट ईयर सेकेंड ST वैकेंसी राउंड हुआ था, उसमें 70K भी, 70,000 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, उसको भी BDS का गवर्नमेंट सीट मिला है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड का ST वैकेंसी 2 राउंड हुआ था BDS में, फर्स्ट राउंड का 55K किया था, और सेकेंड ST वैकेंसी राउंड जो हुआ था उसमें 70K 70,000 ऑल इंडिया रैंक जो है यहाँ तक कट ऑफ गई थी ST वैकेंसी राउंड की। फिर OBC कैटेगरी का अगर हम बात करें तो 61,000 जो है ऑल इंडिया रैंक इसकी कट ऑफ गई थी कैटेगरी की फर्स्ट ST वैकेंसी राउंड में। सेकेंड ST वैकेंसी राउंड जो हुआ था उसमें 80,000 जिसका ऑल इंडिया रैंक 80,000 था, 80,000 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, उन लोगों को भी मिला था सेकेंड राउंड में। तो यानी कि तुम जनरल हो या OBC हो या EWS हो, कुछ भी हो, अगर तुमको BDS सीट चाहिए, ऑल इंडिया रैंक 1 लाख के अंदर आया है, तो तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक यानी कि ST वैकेंसी राउंड तक जाओ, तुमको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, इतना तक जो मैं बताया वो तो 100% उसको कॉलेज मिल जाएगा। अगर 1 लाख के अंदर भी तुम्हारा रैंक आ रहा है ऑल इंडिया रैंक, तो भी पार्टिसिपेट करो, तो भी तुमको मिल सकता है, क्योंकि कुछ सीटें जो है BDS में भी बढ़ी हैं, कुछ सीटें MBBS में भी बढ़ा है, कुछ सीटें BMS में भी बढ़ा है, कुछ सीटें गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी बढ़ा है, MBBS का, वेटनरी का, तो हर चीज़ सबको मिला करके यहां तक कि जो है मार्जिन बढ़ जा सकता है, इवन इससे भी ज़्यादा जा सकता है। MBBS की जो जितनी जाती है कट ऑफ, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता, बट इस समय है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों का जो है फर्स्ट प्रायोरिटी MBBS होता है, ये सब सेकेंड प्रायोरिटी है, तो बहुत सारे बच्चे जो है प्राइवेट MBBS ले लेते हैं, बहुत तरह तरह की बात होती है, कुछ अब्रॉड चले जाते हैं, कुछ यहाँ चले गए बांग्लादेश, कुछ नेपाल, ऐसे भी होती है। इस वजह से जो है कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है ST वैकेंसी राउंड वगैरह में। तो जो लोग भी अगर चाहते हो कि तुमको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, MBBS नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोई और चीज़ लेना है, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और अपना स्टडी कंटिन्यू रखो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और अपना स्टडी कंटिन्यू रखो। लास्ट ईयर भी मैं ऐसे चिल्ला करके बोला था, जो लोग भी मेरा बात माना, यकीन किया और ST वैकेंसी राउंड तक गया, मॉपअप राउंड तक गया, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिसको थोड़ा भी उम्मीद नहीं था कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में, जिसको गवर्नमेंट सीट मिला है वेटनरी का, BMS का गवर्नमेंट सीट मिला है, जिसके लाखों रुपये बचाए हूँ मैं, लाखों रुपये उसके बचा है। ठीक है, प्राइवेट सीट के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे थे, उसको गवर्नमेंट सीट मिल गया है मॉपअप राउंड में, ST वैकेंसी राउंड में, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और EWS की अगर बात करें तो 62,000 तक ऑल इंडिया रैंक जो है फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट ST वैकेंसी राउंड, ST वैकेंसी राउंड ये लास्ट में होती है, राउंड 1, राउंड 2, फिर मॉपअप राउंड होगा, उसके बाद ST वैकेंसी राउंड होगा। तो ST वैकेंसी राउंड 2 बार हुआ था BDS के लिए, तो फर्स्ट ST वैकेंसी राउंड की जो कट ऑफ गई थी EWS की, 62,000 ऑल इंडिया रैंक थी उन लोगों को मिला था, और जो सेकेंड ST वैकेंसी राउंड था तो उसमें 66,000 ठीक है, स्कोर थी उस टाइम पे 544 स्कोर थी, तो वहाँ तक के बच्चों को सेकेंड ST वैकेंसी राउंड में BDS गवर्नमेंट सीट मिला था। ST कैटेगरी की बात करें तो 1.8 लाख फर्स्ट ST वैकेंसी राउंड की कट ऑफ गई थी, और जो दूसरी ST वैकेंसी राउंड हुई थी उसमें 2,15,000 तक ऑल इंडिया रैंक के बच्चों को कॉलेज मिला था। यानी कि अगर तुम SC कैटेगरी हो, तुम्हारा
220,000 भी रैंक है, यानी कि 2,25,000 भी रैंक है तुम्हारा, तो काउंसलिंग के इस वैकेंसी राउंड तक पार्टिसिपेट करना, यानी कि काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा, 2 महीना अभी से मान के चलो कम से कम वेट करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो तुम फर्स्ट राउंड से ही मतलब स्टार्ट कर सकते हो अपना काउंसलिंग, और वहाँ तक तुमको जाना है, उससे पहले मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो तुमको वहाँ तक लास्ट राउंड तक ट्राई करना है, ठीक है। सीट ग्रैब कर लो, जो लोग भी जिसका दूसरा या तीसरा ड्रॉप है, जो भी ड्रॉप है तुम्हारा, जितना भी स्कोर आ रहा है, अगर तुम चाहते हो कि तुमको कॉलेज लेना है, कोई भी कॉलेज लेना है, ये सब चीज़ें, तो काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। और काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, नहीं करना है, सारी चीज़ मैं वीडियो में अपलोड करता रहूँगा, सारा कॉलेज का, अब EMS का, आयुष का काउंसलिंग कैसे होगा, BDS का कैसे होगा, वेटनरी का कैसे होगा, कब होगा, नहीं होगा, सारी चीज़ मैं यूट्यूब पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बनाता रहूँगा। तो जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, हम बात करें तो ST कैटेगरी का 2.5 लाख, ऑल इंडिया रैंक जो है 2.5 लाख, 2.50, ठीक है, 2.5 जो है ढाई, यानी कि 2,50,000 तक जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी उसको BDS सीट मिला है, गवर्नमेंट सीट मिला है। और जो सेकेंड राउंड हुई थी इसी का, BDS का सेकेंड एस्ट वैकेंसी राउंड जो हुआ था, उसमें 3 लाख तक ऑल इंडिया रैंक, 3 लाख जिसका था उसको भी गवर्नमेंट सीट मिला है BDS का, ठीक है। तो ये BDS का मैं सारा कैटेगरी वाइज बता दिया हूँ, उम्मीद करते तुम लोग को समझ में आया होगा। अब मैं वेटनरी का जो है 15% कोटा, यानी कि VCI की जो काउंसलिंग हुई थी, ऑल इंडिया कोटा 15% की जो काउंसलिंग होती है वेटनरी की, उसकी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। तो उसकी कट ऑफ जो जनरल की लास्ट जिसको कॉलेज मिला है वो मैं बता रहा हूँ, 1,28,463 नंबर, सॉरी 1,28,463 जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी उसको कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, बिदर कर्नाटका में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है इसको, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। वेटनरी का जो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले ना, सब बेस्ट है, आँख बंद करके एडमिशन लेना, कहीं भी तुमको वेटनरी का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल रहा है तो आँख बंद करके एडमिशन लेना, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वेटनरी और गवर्नमेंट कॉलेज BMS का, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर तुमको गवर्नमेंट कॉलेज BMS का मतलब लोअर रैंक वाला लोअर मिल रहा है उसका है ना अलग सीन है, लेकिन वेटनरी का अगर तुमको कहीं से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है ना उसकी अलग बात है, सब बेस्ट हो सकता है तुम्हारे लिए। वेटनरी है ना एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई रस नहीं है और अच्छी जॉब सिक्योरिटी है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है इसमें। तो जो लोग भी अगर वेटनरी लेना चाहते हो, कहीं भी तुमको गवर्नमेंट सीट मिल रहा है ना, आँख बंद करके एडमिशन ले लेना, ये मत सोचो भैया हमको अच्छा कॉलेज मिलेगा क्या, कट ऑफ कितना जा रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट सीट है ना मिलना मुश्किल है, तुमको गवर्नमेंट सीट मिल रहा है बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारा इतना स्कोर आ पा रहा है कि तुमको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, ठीक है। और यही प्राइवेट में, अगर प्राइवेट सीट में जाओगे ना तो वेटनरी की भी 40-45 लाख रुपए कंप्लीट फीस, कंप्लीट ईयर की फ़ीस है। तो जो लोग भी लेना चाह रहे हो, अगर जिसके 600 मार्क्स आ रहे हैं, 580 या 590 है, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, वेटनरी मिल जाएगी आराम से, मिल सकता है तुम लोगों को, ठीक है। फिर OBC का बात करें तो OBC को 1,50,000 तक ऑल इंडिया रैंक जिसकी थी उसको कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है वेटनरी का। EWS की बात करें तो जिसका 2 लाख तक ऑल इंडिया रैंक था उसको मिला है गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिला है EWS में। SC कैटेगरी की बात करें तो 2.4 लाख, 2,40,000 तक ऑल इंडिया रैंक थी जिसकी, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है SC कैटेगरी में। ST कैटेगरी की बात करें तो 2,92,000 जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है वेटनरी का, ठीक है। तो अब SC कैटेगरी का जो लोग भी 2.5 लाख से 3 लाख भी अगर तुम्हारा रैंक है SC कैटेगरी हो तो काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल सकता है। अगर तुम्हारा 3 लाख 3.5 लाख है, अगर तुम ST कैटेगरी हो, 3.5 लाख यानी कि 4 लाख भी तुम्हारा रैंक आ रहा है तो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, कैसे पार्टिसिपेट करना नहीं करना, वो सारी चीज़ हम डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे, उससे सारी चीज़ हम तुमको बता देंगे, लेकिन काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना और अपना स्टडी कंटिन्यू रख सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और अपना स्टडी कंटिन्यू रख सकते हो। कॉलेज मिल गया तो बहुत खुशी की बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे मिठाई खिलाना। अगर नहीं मिल पाया तो तुम्हारा स्टडी तो कंटिन्यू है ही ना नेक्स्ट ईयर के लिए, समझ रहे हो। तो जो लोग भी अगर जनरल कैटेगरी हो, 1.5 लाख 1.5 लाख के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। और तुमको लास्ट राउंड तो एस्ट्री वैकेंसी राउंड होती है, 4 राउंड फेज में काउंसलिंग होती है, राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप राउंड होगा, फिर एस्ट्री वैकेंसी राउंड होगा, और सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो मैं वापस से दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा, बता दूंगा, ठीक है, तो सारी चीज़ बता दूंगा। तो जिस लोग का भी 1.5 लाख मतलब ऑल इंडिया रैंक 1.5 है, 1.5 लाख के अंदर है ऑल इंडिया रैंक, जनरल कैटेगरी हो, OBC हो, ठीक है,
तो तुमको गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल सकता है, काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना। अगर EWS है तुम, 2 लाख 2.5 लाख भी रैंक है, अगर जनरल EWS हो तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, तो भी गवर्नमेंट सीट मिल सकता है तुमको। SC ST कैटेगरी का सबका मैं बता दिया। उम्मीद करते हैं तुम्हारा जो कट ऑफ से रिलेटेड है कुछ समझ में आया होगा। अभी भी जो लोग ऐसा लगता है भैया हमको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पहली बात ये सवाल करना बंद कर दो, ठीक है। मुझे है ना बहुत गुस्सा आता है सच में, मुझे ऐसा मन करता थप्पड़ खींच दूँ मैं। तुम असला इतना खतरनाक कट ऑफ जा रहा, आसमान छू रहा है तुम्हारा, इतना ड्रॉप हो रहा है, तुम है ना कोई सिक्योरिटी नहीं रही कोई चीज़ की, तो तुम अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, पार्टिसिपेट तो करो। बॉर्डर पे हो या तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा तो भी पार्टिसिपेट करो। तुम लाखों रुपये खर्चा कर रहे हो, अगर लाखों रुपये नहीं भी खर्चा करो तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो रहा है। और तुमको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ जो सिक्योरिटी मनी है 10,000 का इंतजाम करना है, और जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है 1,000-2,000 रुपये वो चीज़ें इंतजाम करना है। बाकी खुद से अपना काउंसलिंग कर सकते हो, सारा चीज़ हम तुमको बताएंगे। खुद से अपना काउंसलिंग पढ़, डरना नहीं है, कुछ भी डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। काउंसलिंग से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, एकदम घबराते हैं, तो घबराहट की वजह से कितना सारे बच्चे जो काउंसलिंग नहीं करते, तो ऐसे घबराना बिल्कुल नहीं है। जो लोग भी काउंसलिंग करना चाहते हो, कोई भी घबराहट होता है कि मतलब हम नहीं कर पाएंगे, कैसे होता है हमको कुछ भी पता नहीं है, तो मेरा पेड मेंबरशिप ले सकते हो। उसमें तुमको हम पर्सनली गाइड करेंगे सारा चीज़, काउंसलिंग का हर एक स्टेप पे तुमको हम हेल्प करेंगे। पूरा व्हाट्सएप पे हम तुमको ग्रुप जोड़ देंगे, पर्सनली तुमको कॉल करके भी समझाएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। तो जो लोग भी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना, भैया पेड मेंबरशिप चाहिए, उसकी फीस बहुत कम रखा हूँ, बहुत कम, 1,000 सिर्फ उसकी फीस है। अभी से लेकर के काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक तुम्हारे साथ हम रहेंगे, और जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड तुम्हारा क्वेरी होगा उसमें सारा चीज़ हम हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तुमको खुद से काउंसलिंग करना, कैसे करना नहीं करना है सारा चीज़ हम तुमको बताएंगे, ठीक है। तो पेड मेंबरशिप जो लोग को भी लेना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, और हाँ व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे भी मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं वहाँ पे फालतू से कॉल करके पूछ रहे दिमाग ख़राब करते हो, इससे है ना हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। चाहते हो तो पहले पेमेंट कर देना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना, हम जब फ्री होंगे तुमको हम कॉल करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। फिर फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और भी डिटेल जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड अलग वीडियो देकर के आते हैं। तब तक खुश रहो और मस्त रहो, टेंशन बिल्कुल नहीं लो, एकदम मस्त रहो, रिलैक्स रहो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है।